Now, you are welcome in your new topic, Introduction to Philosophy, English 310, René Descartes. This is the picture and the introduction, father of modern philosophy. Modern Jadid Falsafa Ya Mantak, not only a philosopher, but also a well-known French mathematician and scientist. Usne mathematics or science ki badolat apni philosophy ka loha manwaya. One of the key figures in the scientific revolution of the 17th century. Inka jo dore hayat tha, wo 17th sadi isvi hai. French great philosopher. Aur iska taluk hai, wo French se hai. Early life unki yahan bayan ki jari hai. René Descartes was born in Le Havre in 1596, was the son of a minor nobleman. कोई किसी बहुत अजीम शख्स का बच्चा नहीं था. By 1606, he was studying at the Jesuit College of La Flèche. Went to Germany in the army in 1606, where he dreamed of studying universal science. आर्मी में रहते हुए उसने सोचा कि मैं साइंस सब्जेक्ट्स को स्टडी करूँ. He claimed that certainly is the only basis of knowledge. और उसका ये ख्याल था कि साइंस जो है ये हर तरह की नॉलेज, हर तरह का इल्म उसी की बेस है. साइंस जो है ये फैक्ट्स पे मबनी होती है. उसने फैक्ट्स को नॉलेज की बुनियाद तसव्वुर किया और उसका ख्याल है कि साइंस सच्ची होती है, ट्रूथ पे मबनी होती है. जो साइंस अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए शो करती है वो सही होता है. और ये चीज उसके जहन में अर्ली लाइफ से ही थी, यानी वो बचपन से ही इसी चीज पे सोचता था. उसने क्या क्या किया मैथमेटिकल अप्रोचेस में. डेकार्ट ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वाज डेवलपिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री. उसने ज्योमेट्री का जो है वो एनालिसिस किया और उसको बयान किया कि कैसे स्ट्रेट लाइन है, कैसे रेक्टेंगल है, कैसे स्क्वायर है, कैसे ओवल है. विच इज अप्लाइंग एलजेब्रा टू ज्योमेट्री. और फिर उसने ज्योमेट्री के ऊपर एलजेब्रा की एप्लीकेशन की कि इसको हमने प्लस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे लेके जाने हैं. ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम विच ही डेवलप्ड टू विजुअलाइज द लोकेट एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट चीज को मेजरमेंट करने का उसने बताया कि हम कैसे समंदर के ऊपर रह कर खड़े होकर उसकी सतह पे उसकी गहराई को माप सकते हैं. हम जमीन पे रह के आसमान की पई मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं. और ये ख्वाबों या ख्यालों या सिर्फ तसवराती बात नहीं है, बल्कि इसमें फैक्ट्स हैं और इसमें फिगर्स हैं और ये ट्रूथ पे मबनी है. He believed that only mathematics can be seen as certain and therefore can be used to explain the more complex ideas of the universe. उसने कहा कि कायनात के जितने भी कॉम्प्लेक्स और उलझे हुए मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ मैथमेटिकल ज्योमेट्री और अलजिब्रा की बुनियाद पर हल हो सकते हैं. अब इसकी एपिस्टेमोलॉजी है, द फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज. उसने कहा कि हम फलसफे के साथ नॉलेज को एग्जामिन करेंगे, इसकी नेचर और इसके आगाज और इसके ओरिजिन को देखेंगे. रैशनल अप्रोच, जैसे मैंने अभी आपसे कही कि कोई तसवराती चीज नहीं है, कोई ख्यालाती चीज नहीं है, बल्कि फैक्ट्स और ट्रूथ पे मबनी हर चीज होगी. एपिस्टीमोलॉजिकल स्कूल दैट मेंटेन्स दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रूथ्स अबाउट रियलिटी आर ऑब्टेंड बाय मींस ऑफ द इंटेलेक्ट द माइंड. उसने कहा कि जब इंसान का दिमाग होता है ना, उसी से ही सही ट्रूथ का आगाज होता है, विदाउट रिलाइंग एट अपॉन द सेंसेस. वो कहता है कि सेंसेस के ऊपर रिलाई अपॉन नहीं करना. सेंसेस हमारे पास 5 सेंसेस है, 6 सेंस भी होती है. सेंसेस का मतलब है जो हम देखते, सुनते, चखते हैं, वो सारी हमारी सेंसेस हैं. तो वो सेंसेस पे बिलीव नहीं करता. वो कहता है कि जो कुछ है वो माइंड है. एवरीथिंग इज इन द माइंड ऑफ मैन. ही इज वर्शिपर ऑफ माइंड. डेकार्ट गेव हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज. वो कहता है जितनी भी नॉलेज है वो माइंड की बदौलत है, विच इज रैशनल और ये ट्रूथ पे मबनी है, इसमें तसवराती आस्पेक्ट नहीं है. आर्ग्यूमेंट्स सपोर्ट ऑफ रैशनलिज्म. उसने जो है ना ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि रैशनल अप्रोच हमने रखनी है.
नाउ नोशन ऑफ इनेट आइडियाज, यहाँ भी रैशनलिज्म उसने अप्लाई किया है नॉलेज के लिए. रैशनलिज्म कैन बी एक्वायर्ड बाय अ प्रायर मीन्स. डेकार्ट्स एम्फसाइज़ेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रायोरी आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट इन एस्टेब्लिशिंग जेन्युइन नॉलेज ऑन अ फर्म फाउंडेशन. जेन्युइन नॉलेज जो है वो किसी ना किसी बुनियाद पर जो है ना काम करती है, सबराती नहीं होती, ख्यालाती नहीं होती. प्रॉब्लम वाज स्केप्टिसिज्म इन एपिस्टेमोलॉजी. ये सोच लेना कि जनाब ऐसा हो जाएगा, नॉलेज इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑल नॉलेज रिमेन्स अनसर्टन. ऐसा नहीं है, नो नॉलेज इज डेफिनेट. कोई भी इल्म जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता. नो नॉलेज कैन बी जस्टिफाइड, और हम कभी भी उसको साबित नहीं कर सकते कि यह नॉलेज है. सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ की बुनियाद पे इसका डिसीजन होगा. मेथड बैकग्राउंड जो है उसका वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होगा, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं. दिस इज द मेन मेथडोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेकार्ट्स. क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, फिर हम उसके ऊपर थ्योरी अप्लाई करते हैं, फिर हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए, और फिर एक्सपेरिमेंट करके उसको शो करते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है. कोई चीज स्वीट है या सार है तो हम टेस्ट करके ही बता सकते हैं. कोई लाख कहता जाए कि ये मीठा है, ये मीठा है, ये मीठा है, तो उसके कहने से वो मीठा मीठा नहीं हो जाता. हमने ऑब्जर्वेशन भी लेना है, थ्योरी भी अप्लाई करनी है, प्रिडिक्ट भी करना है, और इसको एक्सपेरिमेंट के लिए कराना है. इसके फोर रूल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. पहला तो ये है, नेवर बिलीव एनीथिंग. जब तक आपको नहीं पता कि ये सच है, बिल्कुल भी यकीन ना करें. और दूसरा जो है, एनालाइज एवरी प्रॉब्लम एज मेनी पार्ट्स एज आर नेसेसरी. जो जरूरी जरूरी चीजें हैं उनका एनालिसिस करें ताकि आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकें. और तीसरा है, ईजीएस्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएं, मुश्किल काम में मत जाएं. जहां भी कोई प्रॉब्लम है ढूंढें कि हम इसको सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे. इस बात उसको लस्सी के अंदर पानी डाल के उसको बढ़ाएं मत, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको वाइंड अप करें. ये बड़ी हेल्थी और पॉजिटिव अप्रोच है. पॉसिबल डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम, हमें पता होनी चाहिए कि पॉसिबल डिटेल्स जो हैं इस प्रॉब्लम में क्या है. उसने अपनी फिलॉसफी जो है इस तरह से अप्लाई की है. मेडिटेशन, सोचना. अगर हम सोचते हैं कि ऐसा है और हम सुनते हैं आइज के साथ, ईयर के साथ सुनते हैं, टेस्ट कर लेते हैं और टच भी कर लेते हैं. He expresses his doubts of the existence of all things, especially materialistic objects. कि हम senses के ऊपर एतबार कैसे कर लें, या हम सिर्फ सोच के ऊपर एतबार कैसे कर लें. Descartes did not believe that the information we receive through our senses is necessarily accurate. ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारी आँख ने देखा वो बिल्कुल सही होगा. मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि हमें आंख पे भरोसा करते हुए ये वाला जो पिलर है वो छोटा दिख रहा है और ये वाला बड़ा दिख रहा है, हालांकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है, सारे इक्वल हैं. वो सिर्फ दूर होने की वजह से हमें छोटा लग रहा है. उसने दूसरा रूल जो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है उसका कहा है, ही ट्राइड टू एक्सप्रेस एब्सोल्यूट सर्टेनिटी थ्रू हिज फ्रेज आई थिंक देयरफॉर आई एम. कि अगर मैं सोचूं कि मैं सोच रहा हूं तो यकीनन फिर मैं वहां पे मौजूद ही हूं. आपको यकीनन सर्टन होना चाहिए अपनी मेडिटेशन पे. थर्ड रूल, थिंक इटसेल्फ. ऐसे ही है, डबलिंग डाउटिंग इज अ फॉर्म ऑफ थिंकिंग. पहले हम एक तसव्वुर करते हैं, फिर हम थोड़ा सा शक करते हैं, तो फिर हम इसका मतलब हम सोच ही रहे होते हैं ना कि पता नहीं ये वाला जो पोल है वो छोटा है या बड़ा है. अभी हम डाउटिंग पोजीशन में हैं और थिंकिंग पोजीशन में है. देयरफॉर थिंकिंग एग्जिस्ट. इसका मतलब है कि हम अपनी सोच के साथ साथ चल रहे हैं. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोच मौजूद है, दिमाग काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज वर्किंग में है. हमारा शक थिंकिंग के ऊपर ख़त्म हो गया. इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दिमाग को एग्जिस्ट किया हुआ है, तो वो सोचने की सलाहियत रखता है. Cannot exist unless a subject something exists
विच इज डूइंग द थिंकिंग। जब तक कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, कोई एरिया, कोई प्रॉब्लम, कोई हमारे पास जो है थीम मौजूद नहीं है, उस वक्त तक हम नहीं सोच सकते। इट मीन्स कि कोई चीज़ रियलिटी में मौजूद है जो हमें सोचने पे मजबूर कर रही है, और इसका मतलब हमारा दिमाग है जो कि सोच रहा है। देयरफॉर आई एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि अगर मेरा दिमाग है तो मैं भी हूँ। इसका मतलब है कि वो चीज़ जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो भी है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ भी एग्जिस्ट कर रही है और मैं भी इस वक्त बाहयात जिंदा हूँ। ये उनका आइडिया है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी का। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो कहता है कि खुदा मौजूद है अगरचे कि हम उसे नहीं देखते, अगरचे कि हम उसको नहीं सुनते, अगरचे कि हम उसको टच नहीं कर सकते, वो मौजूद है। कैसे? दैट समथिंग कैनॉट कम फ्रॉम नथिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज ना हो तो कोई चीज आ जाए। आई हैव द क्लियर आइडिया ऑफ गॉड, अ मोस्ट परफेक्ट बीइंग। मेरा ये मुकम्मल जहन कहता है कि अल्लाह ताला की जात अपने वजूद में परफेक्ट है, मुकम्मल है, इनफिनिट है, उसने कभी खत्म नहीं होना, वो अजल से है और अबद तक रहेगा। इटर्नल है, ओमनीपोटेंट है, वो वाहदहू ला शरीक है, बेनिवोलेंट है। अ कॉज मस्ट बी एट लीस्ट एज रियल एज इट्स इफेक्ट्स। जितनी कॉज है, वजूहत है, उसके पीछे कोई ना कोई इफेक्ट मौजूद होता है, वजह के पीछे कोई ना कोई असर होता है। दिस आइडिया ऑफ गॉड कैनॉट बी इम्परफेक्ट टू मी, इट्स कॉज मस्ट बी गॉड ग्रेटर, सो गॉड एग्जिस्ट। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला इटर्नल है, ओमनीपोटेंट है, बेनिवोलेंट है, इनफिनिट है, परफेक्ट है, तो मैं अपने दिमाग से ही कह रहा हूँ ये और सोच रहा हूँ, तो यकीनन कोई सब्जेक्ट मौजूद है जिसको मैं देख देख के सोच रहा हूँ, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि अल्लाह ताला का वजूद है, एग्जिस्ट है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। मेडिटेशन का उसका रूल है जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में अप्लाई होता है, इसको सोचो बचार भी कहते हैं, इसको तसव्वुर करना भी कहते हैं। मेडिटेशन जो है ये असल में मराकबा भी है कि हम खुद अल्लाह ताला की हस्ती को अपने इर्द गिर्द महसूस करें, जिससे हमें थिंकिंग में ख्याल होता है कि वाकई खुदा का मौजूद है, वजूद है। और अगर हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग भी है, मैं भी हूँ, खुदा भी है। अगर खुदा है तो मैं उसका बंदा इस दुनिया में मौजूद हूँ, अगर मैं उसका बंदा हूँ तो यकीनन मुझे बनाने वाला खुदा है। ये सारी मेडिटेशन है जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को क्लियर करती है। ये फिलोसॉफिकल अप्रोचेस हैं ट्रूथ की। मेडिटेशन फॉर ए पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। इंसान बंदा बशर है, वो फरिश्ता नहीं है, वो गलती कर सकता है। ये उसने बहुत ही प्यारा मेडिटेशन सोच दी है, ये सोच इंसान ने खुद सोची है कि कभी भी उससे गलती हो सकती है। हम गाड़ी चलाते हैं, हमसे जजमेंट करते हैं, हमसे गलती हो जाती है। जजमेंट इज अ फॉल्टी ऑफ माइंड, और जजमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की वजह से है, रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ विल एंड इंटेलेक्ट। जब हम अपनी विल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को आगे लाते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कोई ना कोई एरर हो जाती है। द पॉइंट इज अंडरलाइंड हियर विल एंड विश। इंटेलेक्ट जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, जो चीज़ हम सोचते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ हम आरजू करते हैं, वो हमारे दिमाग में घर बना लेती है। और अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, अगर हमने कोई ना कोई चीज़ हासिल करनी है और फर्ज कर लें कि एक कोयला ही है और वो जलता हुआ है, लेकिन हमारी विल एंड विश है कि हम उसको पकड़ें, लेकिन माँ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है वो मासूम है वो उस आग को पकड़ ले, तो इस वक्त इसमें इंटेलेक्ट वर्किंग कर रही है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो माइंड से रिलेटेड है। इन फिलोसॉफिकल अप्रोचेस इंसान अपनी आरजू के मुताबिक अपने दिमाग को लेकर चलता है। जैसा फर्ज करें कि हमने बीएस की क्लासेस को अच्छे मार्क्स में पास करना है, तो ये हमारी विल एंड विश है,
हम इसके ऊपर अपनी इंटेलेक्ट लगाएंगे और अपने माइंड को लेके चलेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे, फिर भी हम कभी स्पेलिंग की एरर कर लेंगे, कभी हम टॉपिक गलत चूज कर लेंगे, ये होती हैं गलतियाँ। द आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव द गॉड या मैन डिवाइन, तो अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ करे। हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमने सारी उम्र गलतियां करनी है। लेकिन देखा इज ऑफ द ओपिनियन विद द फिलोसॉफिकल टचेस दैट व्हेन देयर इज अ विल एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्ट देन माइंड विल वर्क टू डू दैट। अगर हमने चांद की तरफ सफर करना है तो हम मशीनरी को इंटेलेक्चुअल और माइंड की बदौलत तलाश करेंगे। अगर हमने किसी और डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हम कार ड्राइव करेंगे, तो दिमाग के बगैर नहीं कर सकते, इंटेलेक्ट के बगैर हम अपना रोड मैप जो है वो क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन हमसे एरर भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है उसमें। व्हेन आवर विल टू मेक डिसीजंस एक्सीड्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एरर अराइजेस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज देयर। हम हर वक्त हर जगह जो है परफेक्ट या सही या राइट या ट्रू नहीं होते, हमारे में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। और जिंदगी को पॉजिटिव लाइन पे ले जाने के लिए हमें अपने आप को जीरो लेवल पे लेके जाना पड़ता है, फिर कहीं अच्छे फैसले होते हैं। ये फिलोसॉफिकल अप्रोचेस है बाय डेकार्ट। नाउ लास्ट ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, डेकार्ट्स बिलीव दैट द सिंस द आइडिया ऑफ गॉड इज परफेक्ट, गॉड हैज टू एग्जिस्ट बिकॉज विदाउट एग्जिस्टेंस ही वुड लैक अ क्वालिटी ऑफ परफेक्शन। अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला मौजूद था, इसी वजह से उसके अंदर ये क्वालिटी है और इस क्वालिटी ने उसको परफेक्ट बनाया हुआ है, और उस परफेक्शन की वजह से उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद दुनिया में कायम है। इफ गॉड लैक्ड एग्जिस्टेंस द गॉड वुड नो लॉन्गर बी परफेक्ट, नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला। अगर उसमें एग्जिस्टेंस ना होती या हयू या कयूम ना होता तो वो कभी भी परफेक्ट ना होता। इट मीन्स परफेक्ट होने के लिए खूबी होनी चाहिए और वो एग्जिस्टेंस की है। देयरफॉर इफ गॉड हैड इम्परफेक्शन सच एज नॉट बीइंग एग्जिस्ट, इट वुड नो लॉन्गर बी द आइडिया ऑफ गॉड। अगर खुदा ना करे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो वो आइडिया ऑफ गॉड को क्वालिफाई नहीं करती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सूरह यूसुफ पुराने पाक में मौजूद है, कसस नबीयीन में। तो बेटा अगर हम उसकी स्टडी करें तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दफा देखा कि मैंने चांद देखे, उन्होंने कहा ये मेरा रब है, वो खत्म हो गया। सितारे देखे, उन्होंने कहा हाजा रब्बी, ये मेरा रब है, वो खत्म हो गया। उन्होंने सूरज को देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा है, ये तो गर्माइश देता है, ये मेरा रब है जनाब, वो भी खत्म हो गया। तो द थिंग इज द आइडिया जो खत्म हो जाए वो आइडिया ऑफ गॉड की रैशनल इंटेलेक्चुअल अप्रोच को क्वालिफाई नहीं करता। सेम थिंग ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ये। गॉड विदाउट एग्जिस्टेंस इज अनइंटेलिजिबल, मीनिंग दैट एग्जिस्टेंस इज कंटेन्ड इन द एसेंस ऑफ एन इनफिनिट सब्सटेंस। सब्सटेंस फिनिट होता है जो खत्म हो जाए, फानी हो जाए। इनफिनिट है जो लामतनाही हो, चलता रहे, कभी भी खत्म ना हो। इट मीन्स के अल्लाह ताला एग्जिस्ट है और वो हमेरा रहेगा, हमेशा रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस गॉड मस्ट एग्जिस्ट इन हिज वेरी ओन नेचर, इसलिए अल्लाह ताला को अपनी ही नेचर में, नेचर होती है ना इंसान की, एक खुदा की डिवाइन की नेचर होती है फितरी, जो उसकी कभी भी चेंज नहीं होती। गॉड विदाउट एग्जिस्टेंस कैन बी कंपेयर्ड टू अ माउंटेन विदाउट अ वैली, इट इज इंटेलिजिबल। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम नाउज बिल्ला एक गॉड का तस्वीर करें कि वो एक ऐसी माउंटेन है जिसमें वादियां ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये इन इंटेलिजिबल अप्रोच है। तो ये ऑन्टोलॉजिकल जो के मंतकियाना सोच के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्रिटिकल अप्रोच के लिए। सिक्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, सबसे बड़ी चीज माइंड से हम सोचते हैं और सोच के विल और इंटेलेक्ट के मुताबिक बॉडी को ऑर्डर करते हैं।
आपको सबको पता है, मशरफ ऐसी क्यों है कि हमारी बैकबोन है, जहाँ से ये ऑर्डर दिमाग के जरिए पूरी बॉडी को सप्लाई होते हैं। तो माइंड सबसे पहले सोचता है और माइंड एब्स्ट्रैक्ट होता है, और बॉडी जो है वो हैविंग द एग्जिस्टेंस, वो ऑर्डर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट से लेती है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, बॉडी जो है वो हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इस वक्त हम आपस में लेसन में भी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरलिंक है। तो सॉफ्टवेयर जो है ये सोल है, ये रूहानियत है, ये स्पिरिचुअलिज्म है, ये मेडिटेशन है, ये फलसफियाना अप्रोच है। फलसफियाना अप्रोच के बगैर बॉडी कभी भी वर्क नहीं कर सकती। माइंड जो है ये हमारे पास इंटेलेक्ट है, जिसको हम आर्ट्स की तरफ से फलसफी और मंतकी अप्रोच कहते हैं, और बॉडी जो है ये साइंटिफिक रियलिटी है। दोनों आपस में लाजमो मलजूम है। जब तक आप चांद पे जाने का ख्वाब नहीं देखेंगे, आप अपनी व्हीकल कभी भी तैयार नहीं कर सकते। तो हम कभी भी आर्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट सोच को, स्पिरिचुअलिज्म को जो है मटेरियलिस्टिक अप्रोच से दूर नहीं कर सकते। बोथ आर इंटरलिंक्ड विच ईदर। डेकार्ट डिफाइन सब्सटेंस एज एग्जिस्टेंट थिंग विच रिक्वायर्स नथिंग बट इटसेल्फ टू एग्जिस्ट। बहुत ही अहम बात है कि सब्सटेंस जो है वो उस वक्त तक कायम नहीं रहता जब तक कि वो खुद कायम ना रहे। द ऑपरेशन ऑफ द माइंड, जो हमारा दिमाग काम करता है, सोचता है, मंतकी अप्रोच रखता है, एंड द बॉडी और जिस्म जो कि हार्डवेयर है और वो वर्किंग करता है, आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। इन दोनों में बहुत गहरा फर्क है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। द बॉडी इज गवर्न्ड बाय फिजिकल फोर्सेस। जो बॉडी है उसने, फिजिकल फोर्सेस ने अपनी कमान जो है वो अपने माइंड से लेनी है। तो कमान माइंड देता है, इसलिए फिलोसॉफिकल अप्रोच ज्यादा आगे है, क्योंकि कमान की एबिलिटी उसके पास है, उसके अंदर विल है, उसके अंदर इंटेलेक्ट है। बॉडी को तो आप जो कह देंगे वो कर देगा। आपके पास वर्कमैन है, आप उससे बेशक सफाई करवा लें, बेशक उसको अफसर बना के टेबल पे सजा दें, तो बॉडी ने तो वर्क करना है। असल चीज उसके पीछे माइंड वर्क कर रही है। डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को, लायर को, रिसर्चर को क्या चीज डिफरेंशिएट करती है? उसका माइंड करता है। पहले वो माइंड में सोचता है। माइंड जो है ये नियत का दूसरा नाम है। इन्नमा अल अमालु बिन्नियाते, अमाल जिस्म ने करने हैं, और नियत हम जब तक नमाज की ना करें, नियत भी पूरी नहीं होती, तो नमाज भी पूरी नहीं होती। तो द थिंग इज माइंड, इंटेलेक्ट, विल गवर्न्स द बॉडी। ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ माइंड एंड अ बॉडी। सम एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर प्योरली मैकेनिकल, हाउएवर द माइंड हैज सम कंट्रोल ओवर द बॉडी। सम कंट्रोल नहीं है, माइंड ने माशाल्लाह से सारा कंट्रोल किया होता है बॉडी को। खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर इंसान पागल हो जाए या उसका माइंड काम करना छोड़ दे, या उसका माइंड जो है वो सेंसेस को आगे ऑर्डर रिप्लाई करना छोड़ दे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी बॉडी डल हो जाएगी बिल्कुल। डुअलिस्टिक डिस्टिंक्शन, मैकेनिस्टिक इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल एनालिसिस जो हमने डिस्कस किया, ये उसका कंक्लूजन है। सेम, एक बार दोबारा हम कंक्लूजन को रिवाइज करते हैं। थ्रू आउट हिज लाइफ डेकार्ट अटेम्प्टेड टू अप्लाई द रैशनल इंडक्टिव मेथड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टू फिलोसफी। उसने साइंस और मैथ की रैशनल अप्रोच को फिलोसफी के ऊपर अप्लाई किया है, बिकॉज आर इंटर रिलेटेड विद ईदर। हम फिलोसफी को बगैर रैशनल अप्रोच के नहीं काम कर सकते। हमारे दिमाग में है कि जनाब हमने दरिया के पार जाना है, लेकिन रैशनल अप्रोच कहती है कि जनाब या तो आप बोट पकड़ें या तो आप ब्रिज पर से जाएं। अब अकेली फिलोसफी को लेके हम दरिया में कूद तो नहीं सकते। तो लिहाजा रैशनल अप्रोच और मैथमेटिक्स अप्रोच जो है उसकी एप्लीकेशन मेथड ऑफ साइंस फिलोसफी के ऊपर बहुत ही जरूरी है। ही आल्सो मेड कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन, डेकार्ट्स वाज द फर्स्ट टू यूज द लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट टू डेजिग्नेट अननोन क्वालिटी। ये मैथमेटिकल अप्रोच है कि उसने जी को रखा कोई भी चीज को जो कि अननोन होती है। ही आल्सो इन्वेंटेड द मेथड फॉर फाइंडिंग ट्रूथ। दिस इज द मेन थिंग, ट्रूथ फाइंड करनी है, बेशक वो रैशनल अप्रोच से हो
बेशक वो मैथमेटिकल अप्रोच से हो, बेशक वो साइंस से हो, बेशक वो फिलोसॉफिकल अप्रोच से हो, ट्रूथ इज द मेन टारगेट ऑफ डेकार्ट्स फिलोसफी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।